गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं स्पोकन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आया हूं, जो मोस्टली स्पीकिंग करते समय हम लोग यूज करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसकी बनावट कैसी होगी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये सारी बातें दोस्तों आज मैं लेने वाला हूं। काफी अच्छा वीडियो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक बात पर ध्यान दीजिए। कॉपी पेन लेके बैठे और इसके बाद भी अगर आपको कभी डाउट होता है मेरे वीडियो देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके डाउट को दूर करूंगा, मैं आपके डाउट को दूर करूंगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर चुके तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चालू करते हैं। वो वर्ड कौन सा है, मैं आपको एक एक बातें, सारी बातें मैं डिटेल्स बताता हूं, उसकी मीनिंग्स बताता हूं और उसका ओरिजिन बताता हूं, सारी बातें बताऊंगा मैं, समझते हैं। तो वो वर्ड है एल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एल्स का मतलब होता क्या है। एल्स, ई एल एस ई, तो एल्स का मतलब होता है इंग्लिश में, अगर मैं बात करूं, एल्स का मतलब होता है इंग्लिश में इन एडिशन, बिसाइड्स, डिफरेंट, इंस्टेड, इतने सेंस में आएगा। हम लोग इसको हिंदी में समझे तो हिंदी में इसका मतलब होगा और, अतिरिक्त या के अलावा। दोस्तों, ये जो और है ये एंड वाला और नहीं है। एंड का मतलब होता है कि दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को जब जोड़ता है तब हम लोग उसमें एंड लगाते हैं। लेकिन ये एल्स होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा का काम करेगा, एक्स्ट्रा, और कुछ, और कोई, और क्या, और कहां, ये मतलब कुछ एक्स्ट्रा के सेंस में जब आएगा तब हमको एल्स लगाना है, ध्यान देना है। इसलिए मैंने आपसे बताया कि एडिशन, बिसाइड्स, डिफरेंट, इंस्टेड के सेंस में आएगा, के अतिरिक्त के अर्थ में आएगा, एक्स्ट्रा के अर्थ में आएगा। अब हम लोग एक एक बात को समझते हैं। मैंने सभी का एक एक एग्जाम्पल दिया है जिससे हमारा वीडियो बड़ा ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए। तो दोस्तों, प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे, बीच में क्विट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसको बड़े शानदार तरीके से, डिफरेंट तरीके से समझाया है। चालू करते हैं। पहला सेंटेंस है व्हाट एल्स। अब इनके सबके मीनिंग सेंटेंस मेकिंग में क्लियर हो जाएंगे। व्हाट एल्स का मतलब क्या हो रहा है समझ जाएंगे आप। व्हाट एल्स शुड आई डू, मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे और क्या करना चाहिए। तो व्हाट एल्स का मतलब हो रहा है और क्या, ये तो मैं कर चुका, इतनी सारी चीजें मैं कर चुका, मुझे और क्या करना चाहिए अंग्रेजी सीखने के लिए, मुझे और क्या करना चाहिए उसे लुभाने के लिए, मुझे और क्या करना चाहिए सफल होने के लिए। आप कुछ कर चुके हैं, उसके अलावा पूछ रहे हैं, तब आप ऐसा यूज करेंगे। या नेक्स्ट, वेयर एल्स, वेयर एल्स को समझते हैं। वेयर एल्स डिड यू ट्राई फॉर ए जॉब, वेयर एल्स डिड यू ट्राई फॉर ए जॉब, आपने और कहां नौकरी के लिए कोशिश की, आपने और कहां नौकरी के लिए कोशिश की। सपोज किसी बंदे ने बताया कि मैंने 3-4 जगह नौकरी की कोशिश की, यहां यहां यहां, सामने वाला पूछ रहा भैया ये तो की, लेकिन और कहां आपने कोशिश की, इसके अलावा और कहां की, इसके अतिरिक्त और कहां की, इस सेंस में आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे वेयर एल्स, और कहां। नेक्स्ट, व्हेन एल्स क्या मतलब होगा, ओके, देखते हैं, समझते हैं। व्हेन एल्स कैन आई कॉल यू, व्हेन एल्स कैन आई कॉल यू, मैं और कब आपको फोन कर सकता हूं, मैं और कब आपको फोन कर सकता हूं। भैया आप तो हमेशा दोपहर को फोन कर, बोलते मेरे पापा हैं, शाम को फोन करो तो मेरी मम्मी मेरे आसपास रहती है, और रात को फोन करो तो मेरे आपका भाई आपके आसपास रहता है, तो मुझे बताइए ना मैं और कब आपको फोन कर सकता हूं, प्लीज टेल मी। यस, और कब के सेंस में अगर हमें कहना है तो हम लोग कहेंगे व्हेन एल्स, और कब, इसके इन टाइम के अलावा मुझे बताओ कि और कब। या हाउ एल्स, इसको समझते हैं, हाउ एल्स का मतलब क्या हो रहा है। हाउ एल्स शुड आई परसुएड यू, हाउ एल्स शुड आई परसुएड यू, मैं आपको और कैसे मनाऊं, मैं आपको और कैसे मनाऊं, बहुत देर से रुठे हुए हैं, सारे तरीके तो मैंने अपना लिए, और कैसे मनाओ मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए, लेकिन प्लीज रूठो मत मेरे सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप रूठते हैं, तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ मैं और आपको कैसे मनाऊं, मैं वैसे भी मनाने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, बी हैप्पी विथ मी। यस, ये पूछ रहे हैं और कैसे, और कौन सा तरीका अपनाऊं। या नेक्स्ट, सम, अब देखो दोस्तों यहां पर तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, और
मैं आपको कुछ दूसरी बातें बता रहा हूं जहां पर भी एल्स आ रहा है. देखते हैं, समथिंग एल्स. समथिंग एल्स का मतलब क्या हो रहा है समझते हैं सेंटेंस में. आई विल टेक समथिंग एल्स. आई विल टेक समथिंग एल्स, मैं कुछ और लूंगा या लूंगी. आई लड़का लड़की दोनों होता है तो हम कहेंगे मैं कुछ और लूंगा. केवल पॉजिटिव में यूज किया जाएगा, ये नेगेटिव इंटरगेटिव में यूज नहीं किया जाएगा. उसको कुछ और दे रहे होंगे तो कह रहा है भैया मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो कुछ और लूंगा, मैं कुछ और पढ़ूंगा, मैं कुछ और खाऊंगा. आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ और, ये नहीं, कुछ और. या नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स. एनीथिंग एल्स, यू विल नॉट स्पीक एनीथिंग एल्स. तुम कुछ और नहीं बोलोगे, इतना तो बोल दिया तुमने. अब इसके बाद मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं कि कुछ और नहीं बोलोगे, बता रहा हूं. नेगेटिव दोस्तों, एनीथिंग एल्स जो रहेगा वो नेगेटिव इंटरगेटिव में इस्तेमाल किया जाएगा, और समथिंग एल्स जो रहेगा वो पॉजिटिव में इस्तेमाल किया जाएगा. यह ध्यान देना आपको. मोस्टली गलती करते हैं आप लोग. क्या समझ में आया? समथिंग एल्स पॉजिटिव में इस्तेमाल किया जाएगा और एनीथिंग एल्स नेगेटिव इंटरगेटिव में इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ और के सेंस में. तो तुम कुछ और नहीं बोलोगे मिस्टर, इतना तो बोल चुके हो, मामला वैसे ही बिगड़ गया है. आगे, कैन आई आस्क एनीथिंग एल्स, क्या मैं कुछ और पूछ सकता हूं? इतना तो पूछ चुका हूं, क्या मैं और कुछ पूछ सकता हूं अगर आप में हिम्मत हो तो? नहीं, अब मत पूछिए, मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है, काफी कुछ पूछ चुके हो तुम. क्या मैं कुछ और पूछ सकता हूं? देखिए इंटरोगेटिव है तो मैंने यहां पर एनीथिंग एल्स बोला, यहां पर समथिंग एल्स नहीं आ सकता, रॉन्ग हो जाएगा. यहां पर भी समथिंग एल्स नहीं आ सकता, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है. आगे बढ़ते हैं. एवरीवन एल्स. एवरीवन एल्स को समझते हैं. एवरीवन एल्स का मतलब क्या हो रहा है सेंटेंस मेकिंग में, देखते हैं. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बट एवरीवन एल्स विल नॉट. मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बाकी दूसरे लोग नहीं करेंगे. ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बाकी दूसरे लोग नहीं करेंगे, वो तमाशा देखेंगे खाली बस. तो एवरीवन एल्स का मतलब हो रहा है बाकी दूसरे लोग, बाकी दूसरे पर्संस. ओके, अगर मैं जैसे मैंने एक सेंटेंस एवरीवन लिखा हुआ है, तो एवरीवन और एवरीवन एल्स में क्या अंतर, ये समझते हैं हम लोग, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एवरीवन कब लगाना है और एवरीवन एल्स कब लगाना है. देखते हैं दोस्तों. एवरीवन कैन नॉट बी हेल्पफुल. हर कोई मददगार नहीं हो सकता है, हर कोई मददगार नहीं हो सकता है. लेकिन हमने बोल दिया कि एवरीवन एल्स, एवरीवन एल्स का मतलब होगा इनको छोड़कर बाकी लोग, यानी दूसरे लोग नहीं हो सकते. ओके, इस सेंस में एवरीवन यानी हर कोई, और एवरीवन एल्स यानी इनको छोड़कर बाकी लोग. देखते हैं, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा. अभी पुलवामा में जो घटना घटी, हमारे 42-45 के ऊपर हमारे सैनिक की डेथ हो गई है, बहुत दुख की बात है दोस्तों. तो उस दुख को व्यक्त करते हुए मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूं. देखते हैं दोस्तों. यू आर सैड, आप दुखी हैं, सो इज एवरीवन एल्स. आप दुखी हैं, सो इज एवरीवन एल्स. आप दुखी हैं, उसी प्रकार दूसरे लोग भी दुखी हैं. आप तो दुखी है ही है, उसी प्रकार दूसरे लोग भी दुखी है दोस्तों. ये सेंटेंस उसी पर मैंने निशावर किया है. बहुत दुख की बात है दोस्तों कि इतना बड़ा हादसा हो गया. ओके, देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊं. यू आर सैड, सो इज, यहां पर इन्वर्शन हुआ है, सो के बिल्कुल बाद इज आ रहा है. एवरीवन इज नहीं बोलेंगे, सो इज बोलेंगे, इसको इन्वर्शन कहा जाता है. बिल्कुल बात जब हेल्पिंग में आती है तो उसे हम लोग इन्वर्शन कहते हैं किसी और टॉपिक में. हालांकि मैंने इन्वर्शन का भी एक वीडियो अपलोड किया, वहां चाहे तो आप लोग देख सकते हैं. ये दोस्तों बहुत ही दुख की बात है. आगे बढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा. एवरीवन का मतलब होता है हर कोई. एवरीवन एल्स यानी दूसरे लोग, बाकी दूसरे लोग, बाकी दूसरे लोग. यस, ध्यान देंगे. अब हम लोग आ जाते हैं एवरीथिंग एल्स. एवरीथिंग एल्स चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. यू कीप इट विथ यू, यू कीप इट विथ यू. आई वॉन्ट एवरीथिंग एल्स. तुम यह अपने साथ रखो, मुझे बाकी दूसरी चीजें चाहिए. कोई चीज होगी, वो कह रहा है कि भैया तुम ये अपने साथ रख लो, ये अपने साथ रख लो, मुझे बाकी दूसरी चीज चाहिए. ये रख लो अपने साथ, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको छोड़कर मुझे बाकी दूसरी चीज चाहिए. जब ये कहना है तब आप बोलेंगे एवरीथिंग एल्स, और एवरीथिंग यानी सब कुछ. आई वॉन्ट एवरीथिंग, मुझे सब चाहिए, वो सब मांग रहा है. लेकिन एवरीथिंग एल्स का मतलब होगा कि ये कोई एक चीज को छोड़कर या दो चार चीज को छोड़कर मुझे बाकी दूसरी चीज चाहिए, ऐसा अर्थ आएगा दोस्तों. बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको समझें, उसके बाद आप लोग अपने स्पीकिंग में इसका यूज करने की कोशिश करें. दोस्तों एक हु एल्स मैं भूल गया था लास्ट में, तो मुझे बताना पड़ रहा है अभी. हु एल्स का मतलब होता है और कौन, और कौन के सेंस में आएगा. मुझे ये क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में लिखना था लेकिन भूल गया, तो मैं लास्ट में लिख रहा हूं. ध्यान दीजिए,
Who else can speak English? और कौन अंग्रेजी बोल सकता है? इतने लोग तो बोल चुके, और कौन अंग्रेजी बोल सकता? Who else can speak English? ये था बहुत ही जोरदार, बहुत ही शानदार टॉपिक था दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको मजा तो आया ही आया होगा, इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने भी मिला होगा कि अगली बार आप जब भी स्पीकिंग करेंगे ये सब वर्ड्स का ध्यान देंगे, लेकिन पहले समझें उसके बाद आप बोलने की कोशिश करें, तो मुझे उम्मीद है आप कभी गलती नहीं करेंगे और नहीं हंसी के पात्र बनेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस देन यूज इन योर इंग्लिश। मजा आ गया ना दोस्तों? तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलेंगे और बहुत से लोग को शेयर करेंगे दोस्तों, जिससे हर किसी को इस प्रकार के टॉपिक का पता चल जाए, इस प्रकार के सेंटेंस मेकिंग का पता चल जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में अंतर बने रहने के लिए, धन्यवाद। इसी प्रकार आप मुझे समर्थन देते रहें, अपने डाउट्स पूछते रहें, नए नए वर्ड्स पूछते रहें, नए नए फ्रेजेस पूछते रहें, जिससे हम अपनी इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बना सके। यस, और हमारी अंग्रेजी में आप अच्छा प्रभाव छोड़ सके। दैट्स ऑल। इसी सीरीज में मैं कुछ दिनों से बहुत से वीडियो ला रहा हूं, नए नए टॉपिक्स ला रहा हूं, जिसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, प्रयोगों के साथ और आपके डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।